नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों हाजिर हूँ आज के शिक्षा संबंधी समाचारों को लेकर के। दोस्तों आज की जो प्रमुख शैक्षणिक खबरें क्या हैं, जो आज के न्यूज़पेपर्स में क्या आया है शिक्षा या नौकरी से संबंधित, वो सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहली जो खबर है, शिक्षा विभाग की जो सिविरा पंचांग है उसमें बड़ा फेरबदल होगा, बाल सभाएं भी होंगी शामिल, प्रस्ताव पारित। ठीक है, तो ये इस बार शिक्षा मंत्री ने जैसे घोषणा की थी, 5 दिन का जो सत्र बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि लेट खुलेंगे स्कूल, तो ये चीज़ें हैं, ये इसका दैनिक न्यूज़ में आज आया है। ठीक है, अगली खबर, शिक्षा विभाग के इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए मांगे आवेदन। तो शिक्षा विभाग का जो इंस्पायर्ड अवार्ड है वो साइंस के जो बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास किया है इस बार राजस्थान बोर्ड से, उनके लिए इंस्पायर्ड अवार्ड दिया जाता है। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी यहाँ पर 31 जुलाई। ठीक है, और स्कूल के संस्था प्रधानों के द्वारा ये आवेदन किया जाएगा। ठीक है, अगली खबर, यहाँ पर अब शुरू होगा तबादलों का दौर। तो यहाँ पर सरकार कर रही है शिक्षा विभाग में तबादले, तो 40,000 तबादले होने की संभावना यहाँ पर अकेले शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, अगली खबर यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ्यक्रम में बदलाव से शिक्षा विभाग में हज़ारों किताबें हुई रद्द। तो जैसा कि दोस्तों फिलहाल चल रहा है पाठ्यक्रम चेंजिंग के लिए, जैसे कोई सरकार आती है नई तो अपने हिसाब का पाठ्यक्रम लगाती है, तो वो चीज़ें, वो किताबें जो पहले चल रही होती हैं वो रद्द ही हो जाती है। तो ये यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू, कक्षा 9 और 10 की पुस्तकें नहीं पहुँची। अगली खबर, गुणवत्ता की दृष्टि से बने देश के बेहतरीन विद्यालय। ये शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य के विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु किए गए प्रयासों के लिए प्रदेश के राज्य के विद्यालयों के संस्था प्रधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 100% जो नामांकन देने वाले संस्था प्रधान हैं उनको यहां पर प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। अगली न्यूज, एकल पीठ का आदेश रद्द नहीं होगा, RAS भर्ती का संशोधित परिणाम जारी। दोस्तों यहाँ पर सिंगल बेंच ने परिणाम जारी करने के लिए कहा था RPSC को कि वो परिणाम जारी करे, लेकिन जब अब डबल बेंच में जब मामला गया तो सिंगल बेंच के फैसले को यहाँ पे रद्द कर दिया है, और अब परीक्षा भी निश्चित समय पर ही होगी, अब परिणाम जारी नहीं होगा, संशोधित जो प्रश्नों को लेकर आपत्तियाँ थी उनको लेकर के। अगली खबर, यहाँ RPSC की जो परीक्षाओं में 30 से लेकर 55% की उपस्थिति, तो कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के प्राप्तांक यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा वर्ष 2016 में 1248 पदों के लिए आयोजित की गई थी। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 15% जो सारंगी व्याख्याता भर्ती है, सारंगीवाद कॉलेज शिक्षा विभाग की, इसमें सिर्फ 15% उपस्थिति, 26 में से 4 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये 15.38 इसका निकलता है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑफिसर, और इसमें 7533 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और परीक्षा में 2349 अभ्यर्थी उपस्थित थी, और प्रोटेक्शन ऑफिसर की है ये, तो इस तरीके से काफ़ी कम यहाँ पर ये उपस्थितियाँ रह रही हैं। अगली यहाँ पर न्यूज, 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं जुलाई में, तो CBSE की 10वीं और 12वीं की जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो यहाँ पर जुलाई माह में होने वाली हैं। ठीक है, अगली खबर, बेहतर बोर्ड परिणाम से बढ़ेगी कटऑफ, प्रथम श्रेणी की भी नहीं कॉलेज में प्रवेश की गारंटी। तो जैसा कि दोस्तों 1 जून से राजस्थान के तमाम जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, सो गवर्नमेंट लेवल के, उनमें 1 जून से ये स्टार्ट हो रहा है शैक्षणिक सत्र, यानी कि प्रवेश के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो देख सकते हैं इस बार का जो आपका 12th का जो भी रिजल्ट है, साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो चाहे कॉमर्स का हो, उनका जो रिजल्ट है काफ़ी अप रहा है। इसलिए अगर फर्स्ट डिवीज़न पास हैं तो भी राजकीय गवर्नमेंट कॉलेजों में भी एडमिशन मिलने की संभावना नहीं है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। ये दिया गया है पिछली बार की जो कॉलेज हैं उनका दिया गया है, गर्ल्स कॉलेज कोटा से है। ठीक है, अगली यहाँ पर 22,000 अभ्यर्थी देंगे RAS मेंस परीक्षा। तो RAS मेंस परीक्षा 22,000 अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल होने वाले हैं RAS मेंस में। ठीक है, अगली खबर, शिक्षा संकुल में बनेगा स्टूडेंट एडवाइजरी ब्यूरो। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा संकुल में एक स्टूडेंट एडवाइजरी और गाइडेंस ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। स्कूल शिक्षा के बाद देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के
इच्छुक अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए परामर्श केंद्र का काम करेगा। ये बेहतरीन कार्य यहाँ पर है। इसमें क्या क्या होगा कि यह राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रागमी शिक्षा और भर्तियों के लिए सूचना उपलब्ध करवाएगा, कैरियर चयन की सलाह देगा। तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा अगर ये होता है। तो दोस्तों और आज की लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर PTET परीक्षा का परिणाम आज तो 3 बजे शिक्षा संकुल में शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी जारी करेंगे। इसके बाद मंत्री महाविद्यालय में प्रवेश नीति और अन्य उच्च शिक्षा विषयों पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो PTET का परिणाम आज जारी हो रहा है। संस्था प्रधान का यहाँ पर अगली खबर है, संस्था प्रधान का जिम्मा वरिष्ठ अध्यापक को देने की तैयारी। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की न्यूज़ है, राज्य के ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल जहां संस्था प्रधान नहीं है वहां पर वरिष्ठ अध्यापक को लगाकर जिम्मा दिया जाएगा। PTI भी लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों थर्ड ग्रेड के PTI को भी लगाया जा सकेगा। तो यहाँ ये न्यूज़ है। अगली यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश शिविर नहीं लगाने की घोषणा का शिक्षक संगठनों ने किया स्वागत। जैसा कि यहाँ पर डोटासरा जी ने कहा था कि ग्रीष्मकालीन आवास शिविर नहीं लगेंगे, तो यहाँ पर ये अच्छी न्यूज़ है शिक्षकों के लिहाज से और यहाँ पर शिक्षक संगठनों ने इसका स्वागत भी किया है। अगली न्यूज़ यहाँ पर, स्कूली बच्चों को पिलाए गए दूध के 4 करोड़ रुपए बकाया, जुलाई में हो सकती है सप्लाई बंद। तो दोस्तों जैसा कि BJP गवर्नमेंट के समय दुग्ध योजना लाई गई थी और उसके बाद ये नई गवर्नमेंट आ चुकी है, तो यहाँ पर देख 4 करोड़ रुपए बकाया हैं दूध के पैसे, तो इस तरीके से जुलाई में ये सप्लाई बंद हो सकती है। ठीक है, अगला यहाँ पर, स्कूलों में 4 साल बाद होगा शिक्षकों के पदों का पुनर्निर्धारण मानदंड तय। तो दोस्तों ये स्टाफिंग पैटर्न है, जैसा कि इसके तहत सामान्य और SST के शिक्षकों को पदोन्नति में होगा विशेष फायदा। तो स्टाफिंग पैटर्न के तहत क्या होता होगा कि दोस्तों शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालय और विषय पर पुनः निर्धारण किया जाएगा। इससे सरकारी स्कूलों में छात्र अनुपात में शिक्षकों के पद सृजित होने और पद स्थापन होने से जहां विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा, वहीं बेरोजगारों को भी पद बढ़ने से नियुक्तियों में फ़ायदा मिलेगा। तो स्टाफिंग पैटर्न ये इस बार किया जाएगा। पहले शैक्षणिक सत्र 2016-17 में ये शाला दर्पण और दर्शन से विभागीय पोर्टल क्रिएट कर 30 सितंबर 2015 के नामांकन आधार पर शिक्षकों के पद निर्धारित कर सामान्यकरण किया गया था। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। और इसके बारे में क्या कहना है, राजेश शर्मा, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी, सरकारी स्कूलों में पिछले वर्षों में नामांकन में बढ़ोतरी, उस अनुपात में शिक्षकों के पद स्वीकृत नहीं होने से छात्रों के शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। 4 साल बाद स्टाफिंग पैटर्न स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ पदों के पुनर्निर्धारण में 25 से 30 साल की सर्विस करने के बाद भी पदोन्नति पिछड़ रहे सामाजिक विज्ञान, कॉमर्स, कृषि के तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षकों को फायदा होने वाला है। सरकार विभाग में कई रचनात्मक फैसले, रिस्क के लिए स्कूलों में परीक्षा परिणाम में सुधार होगा। तो CBSE कंपार्टमेंट के लिए आज अंतिम आवेदन तिथि है, 5000 विलंब शुल्क के साथ आज कर सकेंगे आवेदन। ठीक है, अगली योजना अन्नपूर्णा दूध योजना में, तो ये जयपुर की खबर है। इसमें शिक्षकों ने कहा है कि इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। कॉलेज लेक्चरर चार्ज, जो लेक्चरर सारंगी है उसके लिए 4 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुँचे। ठीक है, सारंगी बाद में 3 भी उत्तीर्ण हो गए तो इंटरव्यू के लिए पात्र, तो 4 में से अगर 3 पास होते हैं तो इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आयोग 1 पद के लिए विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों को कॉल करता है। जुलाई में वेद विद्यालयों की परीक्षा, संकट में नया शैक्षणिक सत्र 12 वर्षों से। तो ये दोस्तों विद्यार्थी मित्रों की खबर है, जहां पर इनको अभी तक यहां पर नहीं किया गया है स्थाई। ठीक है, 12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और ये आपकी यहां पर सहायक भर्ती, शिक्षा सहायक भर्ती के बारे में, विद्यालय शायद इसको कहा गया है उसके बारे में बताया गया। ये भर्ती भी अटकी पड़ी है, जिसमें ये कहा गया था कि विद्यार्थी मित्रों को नियमित कर दिया जाएगा। कम परिणाम वाले संस्था प्रधानों को चार्जशीट में छूट, शिक्षा मंत्री ने कहा 10वीं में 60 से कम परिणाम पर दी जाती थी यह चार्जशीट, अब 10% की मिलेगी छूट। ठीक है, कॉलेज व्याख्यात परीक्षा 2014 के प्राप्तांक जारी देख सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के। विद्यार्थी फेल हो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन नामांकन बढ़ाने में शिक्षकों का पास होना जरूरी। तो ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में जारी किया नया आदेश। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट